नमस्कार, मैं हूं आयुषी मित्तल और स्वागत है आपका हिंद भारत के यूपी बुलेटिन में। किसान बिल के विरोध में आज सिद्धार्थ नगर मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर जमकर किया विरोध। बिकाइयों व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए जमकर केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित कृषि बिल का विरोध जताया और इस बिल को किसान विरोधी बताया। देवरिया जिले में जहां 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों, सरकारी आवासों और घरों में बारिश का पानी आ गया है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। यूं कहा जाए कि नगर पालिका की नाकामी से यह शहर आज इतनी बुरी स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं एक नज़ारा आज देखने को मिला, जहाँ सूबे में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद देवरिया कलेक्ट्रेट के NIC ऑफिस में जाने के लिए जब अपनी गाड़ी से कलेक्ट्रेट पहुंचे तो परिसर में घुटने भर बारिश का पानी भरा हुआ था। मंत्री जी मजबूरन अपने गाड़ी से उतरकर डंडे के सहारे घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हो गए। फिरोजाबाद में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। देर शाम एक युवक को घर जाते समय कुछ मार दी गोली। युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना के पीछे रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। थाना सुहाग नगर में एक घटना हुई है, जिसमें 24-25 वर्षीय व्यक्ति जुगनू पाठक की जो है गोली मार करके हत्या की गई है। इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही जो भी इसके लिए जिम्मेदार अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।